गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने आपके लिए एक और पुडिंग की रेसिपी लेकर आया है। ये पुडिंग मैंने वो जो चाइना ग्रास आता है उससे बनाया है और ये बहुत इजीली बन गया है। चलो, मेरे चैनल पे मैंने और भी किस्म के पुडिंग्स की रेसिपी डाला है, तो अगर वो आपको वो भी चेकआउट करना है आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं मैंने ये पुडिंग, ये चॉकलेट पुडिंग मैंने कैसे बनाई है। यहाँ पे मैंने जो फाइव स्टार का जो फाइव स्टार ब्रांड है उसका जो हलवा ग्लास आता है वो लिया है। ये पूरा हलवा ग्लास आपको 1 लीटर दूध में डालना रहता है, तो मैंने आधा लीटर दूध का ही बनाया था। तो मैंने इसको हाफ बीच से तोड़ दिया और हाफ कर दिया। इसको हम लोग को 15 मिनट्स भिगो के रखना रहता है एक कप पानी में। उसके बाद असाइड कर लेंगे। देखिए, मेरा जो चाइना ग्रास है वो मैंने 15 से 20 मिनट्स तक भिगो के रखा था। अब इसको हम सिम फ्लेम में, मतलब कम फ्लेम में इसको हम पका लेंगे। इस फ्लेम को तेज़ नहीं करना, तो हमारा चाइना ग्रास जल जाएगा और पिघलेगा भी नहीं। हमको सिम हमारा जो गैस है उसको सिम पे रखना है। इसको टाइम लगता है, मतलब 10 मिनट लगेगा इसको पूरा के पूरा आपके पानी में डिजोल्व होने के लिए। बट मेक श्योर कर लीजिए आपका जो चाइना ग्रास है वो पूरा से पूरा डिजोल्व हो जाए। आप इससे कुछ भी बना सकते हो। यहाँ पे मैंने आधा लीटर दूध लिया है जिसको मैंने बॉईल कर चुका है। आप इस चाइना ग्रास से कुछ भी बना सकते हो, कस्टर्ड बना सकते हो, जेली बना सकते हो, पुडिंग बना सकते हो। यहाँ पे मैंने तो पुडिंग ही बनाया था, इसके अंदर मैंने 2-3 फ्लेवर्स के लिए आप कुछ भी फ्लेवर्स डाल सकते हो। आप पुडिंग मिक्सचर भी डाल सकते हो, पर इसमें मैंने केसर डाला था। केसर मैंने डालकर इसको थोड़ा देर रखा, फिर इसके अंदर 5 मिनट तक बॉईल करना था। केसर डालने के बाद इसके अंदर जो मैंने पुडिंग मिक्सचर जो बाजू में बना के रखा था वो मिला लिया है। और इसको अच्छी तरह से पूरे दूध में मिलाना होगा। अगर ये हमारा जो पुडिंग मिक्सचर है, मतलब ये जो हमारा ग्लास चाइना ग्रास है, वो अगर नहीं मिलेगा तो हमारा पुडिंग अच्छे से नहीं जमेगी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 कप ऑफ शुगर लिया है। 1 ही कप मैंने शुगर लिया है, ये बहुत मीठा हो गया था। उसके बाद मैंने फ्लेवर के लिए इसके अंदर रो अफजा डाला है। आप कोई भी फ्लेवर डाल सकते हो, बट मैंने इसके अंदर रो अफजा डाला है। 1 से 2 ढक्कन रो अफजा डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद मैंने इसको एक छोटे से कंटेनर, आप प्लेट में निकाल सकते हो क्योंकि अगर आपको उसको हलवा के शेप में बनाना है, बट मैंने इसको एक छोटे से कंटेनर में खाली कर लिया है पुडिंग के लिए। खाली करने के बाद उसको मैंने 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख लिया था। मेरे पास कैरेमल ऑलरेडी था, तो मेरे को कैरेमल बनाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास सिरप है, चॉकलेट सिरप है, आप उससे भी गार्निश कर सकते हो। ये बहुत इजीली निकल जाएगा, ये 20 से 30 मिनट्स में जम भी जाएगा फ्रिज में। तो यहाँ पे मैंने वो कैरेमल सिरप इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लिया। आप चॉकलेट सिरप भी स्प्रिंकल कर सकते हो। उसके बाद मैंने इसके ऊपर थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी ऐड किए। ड्राई फ्रूट आप कुछ भी डाल सकते हो, आप अपने मिक्सचर का कुछ भी डाल सकते हो। इसके अंदर मैंने थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी ऐड किए। ये बहुत इजी है और इस रमज़ान के मौके पे अगर आप इसको बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। एंड ये बहुत ही टेस्टी है और पूरे घर को, आपको बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको ये पसंद आएगा। एंड देखो, मेरा जो पुडिंग था वो बहुत अच्छे से जम चुकी है। एंड अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।